नागौर के पूर्व उप जिला प्रमुख डॉक्टर सहदेव चौधरी ने पंचायती राज विभाग में चल रहे मंत्री और सरपंचों के विवाद को दुर्भाग्यपूर्ण बताया है। फर्स्ट इंडिया से खास बातचीत में डॉक्टर सहदेव चौधरी ने कहा कि पंचायती राज से ही देश का सही विकास हो सकता है। पंचायत जिन अधिकारों की हकदार है वह अधिकार उन्हें मिलने चाहिए, अधिकारियों की दखल कम करने की जरूरत है। पूर्व उप जिला प्रमुख डॉक्टर सहदेव चौधरी से खास बातचीत की हमारे सहयोगी शिवेंद्र सिंह परमार ने। राज विभाग में इन दिनों सब कुछ ठीक नहीं है, सरपंच और मंत्रियों के बीच विवाद छिड़ा हुआ है। इस स्थिति में फर्स्ट इंडिया ग्राउंड रिपोर्ट जानने अलग अलग इलाकों में निकला है और आज मैं नागौर में हूँ। नागौर वो जगह जो पंचायती राज की नींव जहाँ से पूरे देश में रखी गई, और मेरे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं नागौर के उप जिला प्रमुख डॉक्टर सहदेव चौधरी, जो कि पंचायती राज में बहुत लंबा अनुभव रखते हैं। उनसे हम बातचीत करेंगे इस मसले पर। सर, पंचायती राज विभाग में इन दिनों जैसा मैंने शुरुआत में कहा कि विवाद की स्थिति है, टकराव है सरपंच और पंचायती राज मंत्री के बीच, इसको किस तरह से देखते हैं? ऐसा है, पंचायत राज के अंदर सरपंच और मंत्री मिलकर ही पंचायत राज बनता है, इसलिए टकराव जैसी कोई स्थिति है नहीं। और हमारे यहाँ जब मंत्री जी आए थे तो मैं सारे सरपंचों ने और हम सब ने उनका स्वागत किया था, और जो कोई स्थिति पैदा हुई है वो किसी भ्रम के कारण हुई है, और मैं समझता हूँ समय के साथ वो सब चीज़ें ठीक होगी। मंत्री जी भी समझदार हैं और सरपंच भी सब समझदार हैं, और पंचायत राज जो है ग्रामीण क्षेत्र का एक बहुत बेहतरीन तंत्र है, और नागौर ज़िला जो है इस सब में अग्रणी रहा है, क्योंकि नागौर ज़िले के से ही पंचायत राज की शुरुआत हुई थी, और यहाँ के लोग पंचायत राज में बहुत ज़्यादा विश्वास रखते हैं, बहुत एक्टिवली पार्टिसिपेट करते हैं, और उन्होंने पंचायत राज को जो है अच्छी तरह से समझ रखा है। यहाँ पंचायत राज की जितनी भी स्कीम है वो बहुत ज़ोरदार ढंग से जो है ज़िले में चलती हैं और सारे लोग रुचि लेते हैं। हमारे यहाँ के जितने भी सरपंच हैं मैं समझता हूँ वो सारे के सारे जो है, अपवाद तो मैं कहूँगा नहीं, बाकी सरपंच लोग और पंचायत राज की सारी व्यवस्था के अंदर पंच, पंचायत समिति सदस्य, जिला परिषद सदस्य, प्रधान, जिला प्रमुख, सारे लोग मिलकर के और काम करते हैं, और जिसकी वजह से ही आज ज़िले के अंदर जो पंचायत राज की स्कीम है उससे जनता को बहुत फ़ायदा हुआ है। आज जैसे मैं बात कह रहा हूँ, जो अभी पिछले दिनों बात चली थी नरेगा के बारे में, मैं नरेगा के लिए कहना चाहूँगा कि नरेगा एक पंचायत राज का भारत सरकार जिस टाइम पे मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री थे एक बहुत बढ़िया स्कीम इन्होंने लॉन्च की। रूरल हमारा जैसे ज़िला है, ये ज़िला जो है एक्चुअली इरीगेटेड ज़िला नहीं है, अनइरीगेटेड, इसमें 90% एरिया अनइरीगेटेड है, 10-15% ट्यूबवेल इरीगेशन है, नहरी इरीगेशन है नहीं। तो यहाँ के लोगों को रोज़गार की बहुत बड़ी ज़रूरत थी, और ये रोज़गार की स्कीम जो है नरेगा के अंदर, नरेगा की स्कीम ही रोज़गार के लिए, और यहाँ के ज़्यादातर लोग यहाँ नागौर के अंदर करीब करीब जो है मतलब करीब करीब 6.25 लाख लोग इसके अंदर रजिस्टर्ड हैं, और एट ए टाइम करीब करीब 13 लाख लोग जो है इसमें काम करते हैं, जिससे हमारे गांव की महिलाओं का और एससी का, एसटी का, सारी तरह के वर्क को जो है इससे बहुत बेनिफिट हुआ है। दूसरा, जो नागौर ज़िले के अंदर पानी की भयंकर कमी है, और इस कमी की वजह में जो नरेगा की स्कीम आई है जिसके अंदर टांके के लिए मैं ख़ास तौर से कहना चाहूँगा, क्योंकि टांके जो है वो हर घर में बने और उससे लोगों को आज पीने के पानी की भयंकर समस्या का जो है समाधान हुआ है, और लोग जो आजकल अभी तक पानी के लिए दर दर ठोकरें खाते थे, घर में टांका बनने से उनको बहुत रिलीफ हो गई, और लोगों को जो है पानी लाने के लिए नहर का पानी जो आ रहा है वो कभी आता है कभी नहीं आता, बहुत दिक्कत है, और नीचे का पानी खारा है, तो लोगों ने जो है इसका बहुत अच्छा बेनिफिट उनको मिला है। इसके अलावा नरेगा के साथ साथ जो दूसरे काम हुए हैं, सड़कें, गाँव के अंदर इतना अच्छा नरेगा का काम हुआ है कि आज आप ब्लॉक देखेंगे तो गांव जहां पहले कादा मिट्टी चलना ही नहीं हो पाता था गांव की गलियों में, वो सब जगह ज़्यादातर गांवों में पक्के ब्लॉक लग गए, जिससे लोगों को जो है बहुत रिलीफ मिली है। तो मेरा ये मानना है कि नरेगा से एम्प्लॉयमेंट का बहुत बड़ा फ़ायदा हुआ है, नरेगा से जो है इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएशन के अंदर बहुत मदद मिली है। अपवाद स्वरूप मैं ये नहीं कहता कि भाई जो है सब जगह 100% है, कई जगह अपवाद हो सकता है कि कुछ छोटी मोटी गड़बड़ भी हुई हो, क्योंकि इतनी बड़ी व्यवस्था है, ये अपने आप में अगर दूसरी किसी योजना के तहत काम कराएं तो इतना काम जो है जितना नरेगा में हुआ है उतना किसी योजना में नहीं हो सकता, ये मेरा चैलेंज है। क्योंकि इससे करीब करीब साल भर के अंदर, जैसे पिछले साल है करीब करीब 21-22 के अंदर इन्होंने जो है करीब 625 करोड़ रुपये खर्च किए हैं,
जिसमें से 494 करोड़ उन्होंने मजदूरों को पेमेंट किया है। तो 494 करोड़ रुपया जो पेमेंट मजदूरों को हुआ है, जिसमें 70% करीब करीब महिलाएं हैं, जिसमें से 30% जो है शेड्यूल कास्ट है, जो एक बहुत बड़ा नंबर है। तो आप समझ लो कि महिलाओं के पास में कितना पैसा आया है। गाँव के अंदर महिलाओं को पैसा मिलता ही नहीं है। नरेगा ही एक ऐसा है जिसने क्या है कि लोगों की ज़िंदगी बदल दी, उनके घर की सारी समस्याएं ख़त्म हो गई, वरना उनको छोटी छोटी चीज़ों के लिए पैसे के लिए तरसना पड़ता था। आज उनकी स्थिति ही है, नरेगा में काम करने वाला हर मजदूर इससे जो है, और नागौर ज़िले के लोग जो है, क्योंकि उनके पास दूसरे काम नहीं है, तो इसलिए वो जो है इस काम पे ज़्यादा जोर देते हैं। और पंचायतें भी जो हर काम में होड़ है कि भाई कौन ज़्यादा से ज़्यादा काम करवाता है, और वो जो एम्प्लॉयमेंट मांगते रहते हैं, कहते हैं हमारे गाँव में सेंक्शन करो, हमारे गाँव में सेंक्शन कर दो। तो ये सारा एक बहुत ही अच्छा तंत्र विकसित हुआ है। इसके अंदर जो गड़बड़ी की बात आई है, उसके लिए मैं कहना चाहूँगा कि पंचायत राज जो है जब शुरू हुआ था, इसके अंदर ब्यूरोक्रेसी का इंटरफेरेंस मिनिमम था। लेकिन पिछले कुछ समय से जिस तरह से सेंटर ने अपने आप को ज़्यादा से ज़्यादा पावर लेने के प्रयास हो रहे हैं, स्टेट गवर्नमेंट पावर लेने के प्रयास कर रही है, इसी तरह से पंचायत राज में भी ब्यूरोक्रेसी ज़्यादा से ज़्यादा पावर लेने के प्रयास कर रही है, और उसी की वजह से सारी समस्याएँ हो रही है पंचायत राज में, मेरा ये मानना है। अगर ब्यूरोक्रेसी सही ढंग से, जैसे मान लो ये जो बातें कह रहे हैं, उसके अंदर सही क्योंकि साल भर के अंदर नागौर ज़िले में करीब करीब जो है हर पंचायत में 150-200 काम होते हैं। आज 500 पंचायतें हैं करीब जो है ज़िले के अंदर, 10-12 हज़ार काम होते हैं। तो 10-12 हज़ार बहुत बड़े काम हैं, और इससे जो पैसा आता है वो लोगों को जो है हर व्यक्ति के खाते में जाता है, जिससे बहुत बड़ा रिलीफ मिलती है। इसके अलावा मेरा ये मानना है कि नरेगा के अंदर जो स्कीम बनती है वो शुरू से वार्ड से शुरू होती है, कोई वार्ड सभा बनती है, फिर ग्राम सभा में आता है, फिर पंचायत समिति में आता है, फिर जिला परिषद में आता है, और फिर प्लान बन के उसमें से सेंक्शनें होती है, जिसके अंदर सभी समाज के लोगों का उसमें जो है हिस्सेदारी होती है। और इससे एम्प्लॉयमेंट जो आज राजस्थान में भी और देश में भी एम्प्लॉयमेंट एक बहुत बड़ी बीमारी हो गई, लोग जो अनएम्प्लॉयड हैं, लेकिन नरेगा में आज भी उनको एम्प्लॉयमेंट मिल रहा है, जो एक बहुत अच्छी बात है। मैं समझता हूँ कि इससे लोगों को बहुत फ़ायदा हुआ है। सर, मैं इस समय नागौर में हूँ, और नागौर ऐसी जगह है जहाँ से पंचायती राज की नींव पड़ी देश में, और मैं बात कर रहा हूँ आपसे, आपका बहुत लंबा अनुभव है, दूसरी बार आप उप जिला प्रमुख हैं, तो आप सुझाव क्या देना चाहेंगे सर, क्योंकि आप बहुत गहन अध्ययन किया है सर आपने पंचायती राज में, आप क्या सुझाव देना चाहेंगे पंचायती राज मंत्री को, अधिकारियों को? नहीं, मेरा निवेदन सुझाव तो एक्चुअली क्या है कि मैं क्या कहूँगा, लेकिन मेरा ये मानना है, हम ग्रामीण स्तर पर हम ये चाहते हैं कि पंचायत राज को इसकी मूल भावना के अनुरूप जो है गाँव की सरकार को गाँव के अधिकार दिए जाएं, जिससे क्या है गाँव के सारे काम हो सकें, हर ग्राम पंचायत में उसका खुद का सचिवालय हो, जितने विभाग 29 विभाग जो है, आज महात्मा गांधी ने जो है ग्राम स्वराज की कल्पना की थी, और मैं समझता हूँ राजीव गांधी जी ने जब देश भर का दौरा किया तब उन्होंने ये महसूस किया कि दिल्ली और राज्यों की राजधानियों से जो है काम नहीं चल सकता, और हमें गांव की सरकार को ही मजबूत करना पड़ेगा। तो मेरा ये मानना है ग्राम पंचायतों को मजबूत करने के लिए ग्राम सचिवालय हो, और ग्राम सचिवालय के अंदर सारी तरह के लोगों को दायित्व दिए जाएँ, पंच से लेकर के पंच, उप सरपंच, सरपंच, पंचायत समिति सदस्य, जिला परिषद सदस्य और प्रधान और प्रमुख, और इसके अंदर जो ब्यूरोक्रेटिक इंटरफेरेंस है उसको घटाया जाए, ताकि लोग जो है ज़्यादा से ज़्यादा काम जनता के हित में कर सकें। और आज जो जनता की समस्याएं हैं कि जनता को हर शिकायत के लिए, आप देखो जब भी शिकायत और इनकी 181 की जो कंप्लेंट है उसमें लाखों कंप्लेंट्स आती है, इसलिए कंप्लेंट आती है कि क्योंकि पंचायतों के पास और जिला परिषद और पंचायत समितियों के पास सीमित अधिकार हैं, और उसमें ब्यूरोक्रेटिक इंटरफेरेंस ज़्यादा है, जिसकी वजह से लोगों के काम नहीं हो पाते, और हर काम में कोई न कोई रोड़ा अटकता है। मेरा ये मानना है, हमारे अशोक जी मुख्यमंत्री हैं जो पहले राजीव जी के साथ ही रहे हुए हैं, और उन्होंने पिछली बार जब ये पहली बार पधारे थे तो उन्होंने 29 विषयों में से 16 विषय पंचायत राज को ट्रांसफ़र कर दिए थे, और ये कल्पना की जा रही थी कि अगली बार जब आएंगे तो वो सारे विषय ट्रांसफ़र करेंगे और उस पर काम होगा। हमारे जो युवा मंत्री हैं, मैं समझता हूँ वो इंजीनियर भी हैं और काम के जानकार भी हैं, गांव के रहने वाले हैं, एनर्जेटिक हैं, सभी तरह के गुण उसमें हैं, और वो सब मिलकर के और एक ऐसा माहौल बनाएंगे कि ये जो मौका है, इस मौके के बाद देश के अंदर हमारा पंचायत राज एक अनुकरणीय बनेगा,
और उसके अंदर पंचायत राज की खुद की व्यवस्थाएं इतनी क्लियर हो जाएगी कानून के रूप में कि पंचायत राज हर गांव की समस्या का समाधान कर सके और लोगों को जयपुर और दिल्ली या कहीं दूसरी जगहों के चक्कर नहीं काटने पड़े। मैं इस मौके पे ये भी कहना चाहूँगा कि आज जैसे पंचायतों के साथ साथ जैसे सरकार ने कांग्रेस गवर्नमेंट ने जब आज़ादी के बाद किसानों को ज़मीन के राइट्स दिए, लेकिन राइट्स के साथ उन्होंने इसके जो माइनिंग, आज जैसे मान लीजिए मेघालय और वहाँ सब जगह माइनिंग राइट्स हैं, यहाँ पिछले कुछ सरकार ने आपके जिप्सम के लिए कुछ राइट्स दिए हैं लेकिन बाकी के लिए नहीं दिए। तो मेरा ये मानना है कि आज बड़े उद्योगपतियों की बजाय गांव के जो लोग हैं, युवा हैं और जो गांव के लोग हैं और गांव की ज़मीनें हैं जिसके अंदर हमारे नागौर ज़िले में मैक्सिमम मिनरल है, तो ये जो है ये भी पंचायतों को देख करके और ग्रामीण युवाओं को बेरोजगारी ख़त्म करने के लिए और दूसरे जितने भी लोग हैं ग्रामीण क्षेत्र के उनको उद्योगपति बनाएं। अभी सरकार क्या कर रही है कि एक्चुअली ग्रामीणों की ज़मीन छीन रही है और बड़े उद्योगपतियों को दे रही है। नागौर ज़िले में हमारे यहाँ कई कंपनियाँ आ गई, अंबुजा सीमेंट आ गई जिन्होंने हज़ारों लोगों को बेकार कर दिया, बेरोजगार कर दिया, इसी तरह से JSW आ गई वो भी इसी प्रक्रिया में विचाराधीन है, इमामी आ गई वो भी इसी प्रक्रिया में विचाराधीन है कि हज़ारों लोगों को जो है बेघर कर देगी, बेरोजगार कर देगी और किसानों को कोई फ़ायदा नहीं होने वाला। तो मेरा निवेदन है सरकार से कि ये जो किसानों की ज़मीनें हैं और जो गांव की ज़मीन है जिसमें मिनरल है वो हर हालत में पंचायतों को दी जाए ताकि पंचायतों के संसाधन मजबूत हो जाएं और पंचायतों के लोगों को रोज़गार मिल जाए। आज जो लोग बच्चे कमाने के लिए शहरों के चक्कर काट रहे हैं वो शहरों के चक्कर नहीं काटें और गांव के संसाधनों का उपयोग करके और गांव के अंदर ही जो अपनी मजदूरी कर सकें, गांव के लोगों को उसका उपयोग मिल सके। उद्योग जो है जो प्रोसेसिंग का काम करते हैं वो प्रोसेसिंग का काम करें, माइनिंग का काम जो है वो नहीं करें। जिससे माइनिंग के अंदर जहाँ जिनके खेत हैं, आज जैसे मेरे इंद्राणा गांव के अंदर स्थिति है कि आज हज़ारों लोग बेरोजगार हो गए, उनकी 18,000 बीघा ज़मीन जो है सरकार ने उसको दे दी जिस पे कोई भेड़ चराता, कोई बकरी चराता, कोई पत्थर निकालता, कोई कुछ करता। तो हमारा निवेदन है कि सरकार को इस पूरे तंत्र को, पंचायत राज को रिव्यू करना चाहिए और पंचायतों को ज़्यादा से ज़्यादा अधिकार देने चाहिए, पंचायतों को रोज़गार के लिए काबिल बनाना चाहिए, पंचायतों को संसाधन उपलब्ध कराना चाहिए, पंचायतों को स्टाफ उपलब्ध कराना चाहिए और लोकल रोज़गार लोगों को मिले इसके बारे में चिंतन करना चाहिए। आज हमारे यहाँ जगह जगह हाईवे निकल रहे हैं लेकिन उनके पड़ोस में जो है हज़ारों बीघा ज़मीन पड़ी है। अगर युवाओं को वहाँ पे आपके इस तरह के प्लांटेशन जिसके अंदर फ्रूट्स हों, फल पौधे लगाएं और उसके साथ जो है सड़क के पानी का स्टोरेज कर लें और उस तरह से जो है लोगों की इनकम शुरू हो जाए। तो मेरा निवेदन है कि सरकार को, क्योंकि हमारी अपेक्षाएं इसलिए है कि अशोक जी एक्सपीरियंस्ड हमारे मुख्यमंत्री हैं, हिंदुस्तान में सबसे काबिल मुख्यमंत्री हैं और साथ ही हमारे जो युवा मंत्री हैं जिनके जो इंजीनियर भी हैं और उनमें जोश है, जज्बा है, काम करने की इच्छा है, मैं समझता हूँ कि नागौर के लोगों से भी और पंचायत राज के लोगों से विचार विमर्श हो और इसको एक नए स्वरूप दिया जाए जिससे गाँव को सही मायने में गाँव की सरकार का बेनिफिट मिल सके। इसके साथ साथ मैं इस मामले में ये और कहना चाहूँगा कि गाँव की सरकार के अंदर गाँव का जो विकास हो रहा है, आज शहरों के अंदर तो आपने सारे प्लानिंग व्लानिंग सब तरह से हो रहे हैं लेकिन हमारे पंचायत राज में भी इस तरह के न तो कोई आर्किटेक्ट हैं जो इनको नरेगा के तहत करने वाले काम के कोई नक्शे वगैरह प्रोटोटाइप दे दिए जिससे लोगों को पता ही नहीं लगता, और इस तरह के लोगों को दिया जो अनएक्सपीरियंस्ड है जिससे काम में कई बार कमियाँ रहती हैं हम देखते हैं क्योंकि सक्षम लोग नहीं हैं। तो मेरा ये मानना है कि पंचायतों के या जिला परिषदों के पास आर्किटेक्ट कौन कौन से काम किस तरह के होंगे, क्या होंगे, इसके लिए व्यापक डिस्कशन होना चाहिए और नरेगा का जो करोड़ों रुपए का बजट जो भारत सरकार ने एक कानून के तहत दिया है, मेरा ये मानना है कि नरेगा को जिस कानून के तहत दिया है जिसकी वजह से आज देश इतने दिन से जो अनएम्प्लॉयमेंट में आगे रहा है, क्यों अनएम्प्लॉयमेंट कम हुआ इससे, क्योंकि वो कानून के तहत पैसा आता है। आज 75% पैसा जो है सेंट्रल गवर्नमेंट देती है, बाकी का जो स्टेट गवर्नमेंट देती है और उससे लोगों को जो है डायरेक्टली बहुत फ़ायदा हो रहा है, तो इस तरह से जो है पंचायतों को जो है ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट हो। एक सर आखिरी सवाल और मेरा जी, आपने सरकार को सुझाव दे दिए, सीएम को दे दिए, पंचायत राज मंत्री को दे दिए, सरपंचों को आप क्या अपील करना चाहेंगे सर, जो डूंगरपुर से लेकर धौलपुर तक? निवेदन ये है कि सरपंचों के अंदर मेरा निवेदन है कि पंचायत राज की जब व्यवस्था का रिव्यू होगा तो हम लोग ये चाहते हैं कि सरपंच भी युवा हैं और सब लोग ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा काम करना चाहते हैं,
तो उनको असिस्टेंस प्रोवाइड की जाए, उनको मार्गदर्शन प्रोवाइड किया जाए, उनके अंदर कंपटीशन की भावना पैदा की जाए। आज हमारे हजारों गांव ऐसे हैं जिनके अंदर, हो सकता है कि मंत्री जी की रिपोर्ट में कई जगह खराबी आई हो, मैं नहीं जानता, लेकिन हमारे ध्यान में हजारों गांव ऐसे हैं जिनके अंदर बहुत बढ़िया काम हुआ है, और अगर मंत्री जी और उनकी टीम देखना चाहे तो हम वो काम दिखा भी सकते हैं। हम चाहते हैं कि हमारे जो अच्छे लोगों ने काम किए, क्योंकि आज हम नागौर ज़िले के लिए इसलिए चिंतित हैं कि नागौर ज़िले के लिए ये कहा जा रहा है कि नागौर ज़िले में घोटाला हुआ है। मैं नहीं कहता कि नहीं हुआ, लेकिन मेरा ये मानना है कि ये सत्य नहीं है। हो सकता है कि अपवाद स्वरूप कुछ हुआ हो, हैं, या उनके ध्यान में आया हो, हम लोगों के ध्यान में शायद नहीं आया हो, लेकिन हमें इसको जो है थ्रस्ट करने की बजाय नागौर के जो सरपंच हैं, जो बहुत एक्टिव हैं, बहुत मेहनती हैं, बहुत काम करने वाले हैं, और मैं समझता हूँ अगर उसकी एनर्जी का, जिस तरह से एनर्जी की हमारे मंत्री जी की एनर्जी और साथ का साथ सरपंचों की एनर्जी दोनों मिलकर के अगर काम करते हैं, और बाकी जो पंचायत राज के लोग हैं, चाहे प्रधान हैं, चाहे पंचायत के सदस्य हैं, चाहे पंचायत समिति सदस्य हैं, चाहे जिला परिषद सदस्य हैं, सबका सहयोग लेकर के काम करेंगे तो स्थिति अलग होगी। मैं यहाँ एक ये बात भी कहना चाहूँगा, आज देश के अंदर किसी भी व्यवस्था के अंदर बिना पैसे काम करने वाला कोई कर्मचारी कोई होगा तो वो आपका पंचायत राज का जनप्रतिनिधि है। जनप्रतिनिधि के अंदर पंच को कोई पैसा नहीं मिलता, उप सरपंच को कोई पैसा नहीं मिलता, सरपंच को जो है महीने के 30 रुपये, यानी आपके क्या नाम 300-800 रुपये महीने का ऑनरेरियम मिलता है, हैं, प्रधान और इनको प्रधान प्रमुख को 10,000 रुपये मिलते हैं 300 रुपये रोज़, और बाकी किसी को कोई पैसा नहीं मिलता। नगर पालिका के अंदर 500 वोट लेने वाला आदमी को जो है 8-10 हज़ार रुपये मिलते हैं, और यहाँ नागौर यहाँ हमारे पंचायत राज के अंदर जिला परिषद सदस्य जो 50,000 वोटों का मालिक होता है, और जो 10-15 पंचायतों के चुनाव लड़के आता है, इसी तरह से जो है पंचायत सदस्य जो 3-4 पंचायतों का चुनाव लड़के आता है, और आपका पंच तो मैं समझता हूँ सबसे मुश्किल चुनाव है जिसको लोग लड़के आते हैं और वो जनता का काम करने के लिए आते हैं। मैं समझता हूँ इस तंत्र को मजबूत करने की आवश्यकता है, उनकी जो समस्याएं हैं उनको सुनने की आवश्यकता है, और गाँव की समस्याओं को एंडोर्स करने की ज़रूरत है। ये समय आ गया है, आज जो सरकारें चिंतन कर रही है कि हमारी हार का या हमारी जीत का क्या कारण है, मैं समझता हूँ ये ग्रामीण जनता ही है जो सारा कुछ जो है उनको जब तकलीफ होती है तो नाराज़ हो जाते हैं, हैं? तो मेरा ये मानना है पंचायत राज की व्यवस्था को अगर मजबूत किया जाए, जो कि हमारे जो मंत्री और हमारे मुख्यमंत्री जी और हमारे बाकी पंच सरपंच सारे लोग मिल कर के और एक व्यवस्था को जन्म दें जो एक अनुकरणीय हो, अनूठी हो, जिससे क्या है पूरे देश के तंत्र का जो है विकास हो और उसके अंदर हिंदुस्तान का नक्शा बदल दे। अगर गाँव का नक्शा बदलेगा तभी जाकर के देश का नक्शा बदलता। आप जितने भी हमारे इकोनॉमिस्ट हैं, जितने भी हमारे बुजुर्ग चाहे प्रधानमंत्री रहे हों, उन सब ने हमेशा यही बात कही है कि हिंदुस्तान की तरक्की का रास्ता गाँव के होकर निकलता है, तो गाँव की तरक्की ज़रूरी है, गाँव के लोगों का विश्वास ज़रूरी है, गाँव के लोग वहाँ शिक्षा ज़रूरी है, वहाँ आपके शहर की सारी सुविधाएँ वहाँ ज़रूरी है, ताकि गाँव से भीड़ शहर में नहीं आए और गाँव का विकास पूरी तरह से होगा तभी जाकर के देश का विकास होगा। ये मेरा आप लोगों से निवेदन है, सरकार से भी निवेदन है कि इस तरफ अगर बढ़ा जाएगा तभी जाकर के होगा। समस्या सरपंचों ने भी अपना मांग पत्र दे रखा है, मैं समझता हूँ सरकार उस पर संबंध आपके 35 मांगे उन्होंने रख रखी हैं, उन पर जो है सहानुभूतिपूर्वक विचार करेंगे, और हम सब मिल करके हमारे मंत्री जी के नेतृत्व में और हमारे सरपंचों के सहयोग से, हमारे बाकी जनप्रतिनिधियों के सहयोग से, अशोक जी के नेतृत्व में सारे मंत्रिपरिषद के सहयोग से हम लोग जो है गाँव की विकास की कायाकल्प कर सकें, यही मेरी इच्छा है। तो ये है नागौर के उप जिला प्रमुख डॉक्टर सहदेव चौधरी, जिन्होंने पंचायती राज विभाग में जो मौजूदा विवाद है और पूरी जो प्रक्रिया है विभाग की उस पर अपने विचार साझा किए फर्स्ट इंडिया से, और उन्होंने मुख्य तौर पर कहा है कि पंचायती राज विभाग में जो अधिकारियों का हस्तक्षेप है वो कम होना चाहिए, और पंचायती राज से जुड़े हुए पंच सरपंच जिन अधिकारों के हकदार हैं वो अधिकार उनको मिलने चाहिए। कैमरामैन गिरीश के साथ शिवेंद्र प्रताप सिंह परमार, फर्स्ट इंडिया न्यूज़, नागौर।